अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी 12 मई की क्लास होने वाली है जिसका टॉपिक है फेक आउट और फेकी सेटअप और फेकी सिग्नल्स। ठीक है, फेकी सेटअप या हिकाकी पैटर्न्स या फॉल्स ब्रेक्स, ये क्या होते हैं, किस तरह काम करते हैं और इनकी इनको किस तरह मार्केट के अंदर देखा जाता है। सही, तो आज ये शुरू करते हैं। अच्छा, ये आप याद रखिएगा अपना क्या नाम है आतिफ, आपको जो पहले तो ये कि अगर आपको कोई सवाल नहीं है तो माइक जरा बंद कर दें, पीछे से शोर आ रहा है, माइक को जरा बंद कर दीजिए। हेलो सर, एक मिनट। जी जी पीछे से आवाज आ रही है सर, मतलब कोई बहुत ज्यादा अनप्लेजेंट साउंड तो नहीं आ रहा लेकिन एक नॉइस आ रहा है सर, असल में फैन चल रहा ना उसकी वजह से होगा। अच्छा, तो आप इसको माइक को वो कर दो ताकि आपकी रिकॉर्डिंग को फर्क ना पड़े। मैं सब कर रहा हूं। तो ऐसा है कि हम स्टार्ट करते हैं, अगर आपको कोई सवाल हो ना आतिफ तो आप मुझसे कर लीजिएगा, ठीक है, और मैं अगर आपको कोई सवाल हो तो आप मुझे बता दीजिए ताकि मुझे पता चले कि अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही। ठीक है, अच्छा हम फेकी सेटअप को शुरू कर रहे हैं। अच्छा, फेकी सेटअप होते क्या है? फेकी सेटअप की सबसे इजीएस्ट और सबसे टिपिकल जो कहना चाहिए जो डेफिनेशन है वो यही है कि अगर जो है मार्केट जो है वो इनसाइड बार के सेटअप का अगर पॉज ब्रेक करे तो वो आपके लिए फेकी सेटअप। सही है, बात समझ आई? अगर मार्केट इनसाइड बार की सेटअप का फॉल्स ब्रेक करे तो वो, ये मैं रिपीट कर रहा हूँ, तो वो आपका फेकी सेटअप होगा। ये इसकी कोर डेफिनेशन है फेकी सेटअप की। मैं इसको अब समझाता हूँ ये किस तरह होती है। लेट सी दिस वन। सही, अच्छा ये बेसिक दो स्ट्रक्चर है फेकी सेटअप के। सही है, अब क्या हुआ यहाँ पे कि पिन बार मदर बार थी, मदर बार के बाद इनसाइड बार, इनसाइड बार के बाद जो है क्या हुआ, मार्केट ने मार्केट नीचे गई और मार्केट नीचे से दोबारा से ऊपर चली गई पूरे दिन के बाद। आपको पता चला डेली टाइम फ्रेम पे न्यूयॉर्क क्लोजिंग पे, मतलब रात के 2 बजे पाकिस्तानी टाइम पे, कि मार्केट जो है दोबारा अंदर आ गई। तो फिर ये क्या हुआ, ये फेकी सेटअप बन गया, मतलब अब ये इनसाइड बार का सेटअप नहीं रहा, ये फेकी सेटअप बन गया। बात समझ में आई? तो ये जो है ये फेकी सेटअप कहलाते हैं और ये जो होता है इसका मतलब यही होता है कि आपकी मार्केट इनसाइड बार की इनसाइड बार का वो फॉल्स ब्रेकआउट करे और दोबारा अंदर आके बंद हो जाए। अब दोबारा अंदर आने के अंदर आके क्लोज होने का मकसद ये है कि मार्केट जो है या तो मदर बार की रेंज के अंदर आके बंद हो या इनसाइड बार की रेंज के अंदर आके बंद हो, दोनों में से किसी भी एक रेंज में आके बंद हो। अगर तो इनसाइड बार के अंदर आके बंद हो रही है दोबारा तो इसका मतलब है कि मार्केट बहुत अच्छे तरीके से ये बताना चाहिए कि अब मार्केट अप जाएगी, क्योंकि ये देखो मार्केट के अंदर पिन बार बुलिश बनी है तो इसका मतलब ये है कि मार्केट जो है अप जाने के अंदर ज्यादा इंटरेस्टेड है और ये मतलब बुलिश फेकी सेटअप ही है, मतलब इसका जो इसका इम्प्लाइड जो डायरेक्शन होगा वो अप साइड पर ही होगा। सही, और इसी तरह से ये फेकी सेटअप में 2 बार रिवर्सल है, इसमें भी सेम यही होता है कि पिन बार होती है, पिन बार के बाद तो इनसाइड बार होती है, इनसाइड बार के बाद एक कैंडल जो है वो पूरी तरीके से बुलिश ऊपर बंद होती है और उसके बाद नेक्स्ट कैंडल जो है वो बेरिश बंद होती है इस तरीके से। ठीक है, तो ये जो सेटअप होते हैं ये कहलाते हैं फ्रिकी सेटअप विद 2 बार रिवर्सल। सही है, यहाँ तक आते कोई सवाल है आपका तो मैं आगे चलूं।
सर कंटिन्यू करें, जब क्वेश्चन होगा मैं खुद ही माइक ऑन कर लूंगा। ठीक है ठीक है, बहुत ठीक। अच्छा ये जो है वो इस तरीके से ये वो होता है। अच्छा इसके अंदर भी जो है ना, अब जो है ना दो दो किस्में होती है, मैं आपको बताता हूँ। इसके अंदर जो है वो दो किस्में इस तरह से होती हैं कि आप ऐसे कह लो कि एमएस पेंट खोलते हैं तब, ताकि आपको सही तरीके से समझ लगे। ये आपके पास इंसर्ट बार का सेटअप है, लेट से कि ये जो है ये फॉर एग्जांपल इस तरह से है, और नेक्स्ट जो है वो यूं है, और ये, और एक सेटअप ऐसा है आप कह लो कि मार्केट पहले यूं करें, मार्केट के अंदर एक मदर बार है, उसके बाद इंसर्ट बार का सेटअप है, इंसर्ट बार के सेटअप के बाद मार्केट ने एक तरह की पिन बार बनाई है, जो के इंसर्ट बार को तो इंसर्ट बार को तो वो कर रही है, वॉयलेट कर रही है, इंसर्ट बार को फॉल्स ब्रेक तो कर रही है, लेकिन वो जो है ना वो उसको फॉल्स ब्रेक नहीं कर रही है, किसे, मदर बार को फॉल्स ब्रेक नहीं कर रही है, समझे। जैसे कि ये तो ऐसे सेटअप और ऐसे सेटअप को क्या बोलते हैं, ये दो कैटेगरीज हैं या दो टाइप्स हैं, इसको कहा जाता है मेजर फेकी सेटअप, सही है, और इसको कहा जाता है माइनर फेकी सेटअप। दोनों की अपनी अपनी क्वालिटीज हैं, मतलब दोनों जो हैं वो अगर मिले तो आप कर सकते हो, लेकिन हमेशा याद रखना कि ज्यादा कोशिश ये करना कि आपको मार्केट के अंदर ज्यादा, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है या कोई रिजिड रूल है, लेकिन ज्यादा कोशिश ये करना कि आपको जो है मार्केट जो है ना ज्यादातर ऑफर ये वाला करें, क्योंकि ये जो होते हैं ये हाई प्रोबेबिलिटी के सेटअप होते हैं, मतलब ये बहुत ज्यादा बहुत बड़ा फॉल्स ब्रेक, ऑब्वियस फॉल्स ब्रेक दिखा रहे होते हैं, और पता चलता है कि मार्केट एट द एंड ऑफ द डे यहाँ पर आके बंद हो गया, सही है। अच्छा इसके पीछे भी पूरी साइकोलॉजी है, ये जो फेकी सेटअप बनता है उसकी साइकोलॉजी ये है कि लोग समझते हैं कि इसका छोटे टाइम फ्रेम की, जैसे मैं हमेशा पहले याद होगा कि आपको जिस तरह मैंने याद है आपको मैंने लेवल के अंदर पिन बार का बताया था कि पिन बार ऑर्डर्स बहुत सारे लगे होते हैं, तो जिस वजह से यहाँ पे ये पिन बार बन जाती है और उसके बाद जो है मार्केट नीचे जाती है, ऐसा क्यों होता है, मैंने ये लेवल्स के अंदर बताया था कि एक मार्केट में लेवल है और यहाँ पे अगर बहुत सारे ऑर्डर लगे हुए हैं तो इसका मतलब ये है कि अब यहाँ से मार्केट नीचे जाएगी और रिजेक्शन बहुत बड़ी नजर आएगी आपको चार्ट के अंदर। इसी तरह से जो छोटे टाइम फ्रेम होते हैं उसमें मार्केट जो है इसी तरह से ये फॉल्स ब्रेक दिखाती है छोटे टाइम फ्रेम में, लेकिन होता यह है कि एट द एंड ऑफ द डे मार्केट जो है ऊपर जाके बंद हो जाती है। जब मार्केट ऊपर जाके बंद हो जाती है तो ये बता देती है कि अब मार्केट ऊपर जाएगी, बात समझ रहे हो मेरी। तो इसी वजह से ये साइकोलॉजी है पिन बार की, जब ऐसा हो जाता है तो ये आपको फेकी सेटअप मिल जाता है, जब ये मार्केट अपने एक इंसर्ट बार के सेटअप को वॉयलेट करती है या ये कह लो पल्स ब्रेक करके दोबारा से ऊपर आके बंद हो जाती है, तो इसको बोला जाता है मेजर फेकी सेटअप, इसको मेजर फेकी सेटअप कहते हैं। और अगर मार्केट जो है वो अपने मदर बार की रेंज को ब्रेकआउट नहीं करे और खाली इंसर्ट बार की रेंज को ब्रेकआउट कर दे तो इसको कहा जाता है माइनर फेकी सेटअप। आप बात समझ में आई, ये मदर बार को वायलेट नहीं करेगी, सिर्फ इंसर्ट बार को वायलेट करेगी। यहाँ पे क्या हो रहा है, मतलब अगर एज कम्पेयर टू मेजर फेकी सेटअप, मेजर फेकी सेटअप में क्या हो रहा है, मार्केट जो है वो मदर बार को भी फॉल्स ब्रेक करके ऊपर जाके बंद हो गई। मेरी बात आपको समझ में आई मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, बिल्कुल समझ में आई। अच्छा कभी ऐसा भी, ये मैं आपको टिप दे रहा हूँ, मैंने दूसरे स्टूडेंट को ये टिप्स नहीं दी, मैं आपको बता रहा हूँ, कभी कभार ऐसा होता है कि मिसाल के तौर पे आपको बहुत सारे प्रूफ मिल गए और आपको इंसर्ट बार का सेटअप मिल गया, यहाँ पे वो लेवल भी है और यहाँ पे आपको ये सेटअप भी मिल गया मिसाल के तौर पे, तो अब आप क्या करोगे, अब आप ये करोगे कि अगर आपने यहाँ पे एंट्री ले ली है, सही है, मिसाल के तौर पे ये बाय का सेटअप है और आपने यहाँ पे एंट्री बाय की ली है और यहाँ पे ये बनाया, तो यहाँ पे जो है एसएल रखा है आपने मिसाल के तौर पे, तो अब कहने का मकसद ये है कि यहाँ पे हो सकता है कि अगले दिन आपका मार्केट ऑर्डर जो है ना ट्रिगर नहीं करे, बल्कि ये सीन हो जाए ये जो ये बना,
तो फिर भी आपका मार्केट के अंदर ऑर्डर लगा हुआ ही रहना चाहिए, मतलब सही होगा आप लगा सकते हो ऑर्डर, सही है, समझ रहे हो मेरी बात, लगा रहने दो ऑर्डर, क्योंकि तब भी मार्केट के अंदर आपके जो कॉन्फ्लुएंसेस है और आपका जो ऑर्डर है वो और ज्यादा आपकी तरफ आपकी फेवर में आ रहा है, मतलब मार्केट ने मेजर पे की सेटअप माइनर पे की सेटअप बना दिया, इंसर्ट बार के बजाय माइनर पे की सेटअप बन गया, बात समझ में आ रही जी जी। तो अब क्या होगा कि मार्केट के अंदर ये लगा रहने दो और यहीं पे जो है ना मार्केट अच्छा आपको अच्छा परफॉर्म कर सकती है, सही। तो मतलब यहाँ से मतलब आपको डरने की बात नहीं है, मतलब बताने का मकसद है सर, अगर मेजर फैकी सेटअप के अंदर भी वो ट्रेड अगर रहे लगी रहेगी, क्योंकि ट्रिगर तो प्रूव नहीं हुआ, बाय स्टॉप लगा था हमारा, तो मार्केट ने अपवर्ड तो ब्रेकआउट नहीं किया था। हाँ, तो मैं माइनर फैकी सेटअप की मिसाल एग्जांपल के लिए दे रहा हूँ, अगर ये चीज यहाँ पर भी हो रही हो तो वो भी सेम, वो आपकी बात अपनी जगह सही है, यानी कि दोनों सेटअप्स के अंदर अगर हमारा पेंडिंग ऑर्डर ट्रिगर नहीं होता तो उसको होल्ड करना चाहिए, क्योंकि ऑर्डर्स हमारे फेवर में मजीद ऐड हो रहे हैं। हाँ, लेकिन इधर एक और एक्सेप्शन है, देयर इज वन एक्सेप्शन टू द रूल, वो ये है कि अगर मार्केट के अंदर ये पिन बार बनी फॉर एग्जांपल, तो अब आपका ऑर्डर यहाँ पे नहीं लगेगा, मेरी बात समझ रहे हो, कॉमन सेंस तो यही कहती है कि फिर आप इस पिन बार को लेके एंट्री फिर पिन बार के हिसाब से करो, ठीक हो गया, बात मेरी समझ में आ रही है आपको, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, यहाँ तो इसलिए समझ में आता है कि मदर बार के अंदर अंदर कार्रवाई हो रही है, यहाँ पे जब पूरा फॉल्स ब्रेक हुआ है और मदर बार की लोग ब्रीच कर दिया है मार्केट ने, और ब्रीच करके दोबारा ऊपर आई है, तो फिर आपको मार्केट ये वो देती है, ये अपॉर्चुनिटी देती है कि आपका जो रिस्क रिवॉर्ड है इवन मोर कन्वीनियंट हो जाए, बात समझ में आ रही है, मतलब आपका जो है फिर आपकी एंट्री यहाँ पर भी हो सकती है, आपकी एंट्री इधर भी हो सकती है, आपकी एंट्री इधर भी हो सकती है, जो तुम चाहो, और हमेशा ट्रिगर हो तो ये। लेकिन जहां तक मेरा एक आपको टिप दे रहा हूँ जो मैंने दूसरों को भी दी, वो ये है कि अभी जैसे ये पिन बार बनी है तो ये आपको कॉमन सेंस की बात है, ये फॉल्स ब्रेक के बाद बनी, तो मेरा ये अंदाजा है कि जरूरी नहीं होता कि मार्केट इतने बड़े फॉल्स ब्रेक करने के बाद फिर दोबारा इतना नीचे आए, ये कॉमन सेंस भी है और ये मेरा एक्सपीरियंस भी है, ये जरूरी है, क्योंकि पहले ही वो फॉल्स ब्रेक करके आ रही है मदर बार का, तो वो जरूरी नहीं होता कि वो दोबारा नीचे आए, फिर हो सकता है कि इतनी ज्यादा वोलेटिलिटी बढ़ जाए कि फिर वो यहीं से ऊपर चले, तो ये बात समझना बहुत जरूरी है कि हमेशा ऑड्स और हमेशा कंजर्वेटिव एंट्री आपकी फेवर में प्ले आउट कर ले, ये जरूरी नहीं होता, सही है। हेलो, आप कॉल से गए हो या आपने माइक को ऑफ कर दिया? हेलो आतिफ, हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, कैरियर क्या हुआ? वो नेट का अपना डिस्कनेक्ट हो गया, वो सिग्नल का हुआ। अच्छा, ये आपको बात समझ में आई कि जरूरी नहीं होता कि कंजर्वेटिव एंट्री जो है वो आपको हमेशा रिवॉर्ड करे, मतलब मैंने आपको प्रोज एंड कॉन्स जो है वो आपको मैंने 50% और बाय स्टॉप ऑर्डर पेंडिंग स्टॉप ऑर्डर के बताए मार्केट के अंदर, ठीक है। तो बताने का मकसद है कि आपको बात समझ में आ गई कि जो वो होते हैं जो आपका अल्लाह भला करे जो आपका 50% एंट्री होती है वो जरूरी नहीं होती कि फेकी सेटअप पे आपको हमेशा मिले, सही है। तो ये बात समझना बहुत लाजमी है और हमेशा अपना फोकस ज्यादातर इस पे रखो, ये मिलता है और आपको अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ मिलता है तो यू शुड गो अहेड, सही है। अगर नहीं मिलता तो लेट यू इग्नोर इट, सही, क्योंकि इससे ज्यादा पोटेंशियल इसका होता है, ठीक हो गया। अच्छा, इससे थोड़ी हार्ड जो कहना चाहिए कि इससे थोड़ा हार्ड जो फेकी सेटअप है
वो इस किस्म का होता है, बता दूं। अच्छा इसके अंदर जो है वो आप सिर्फ मेजर वाला पढ़ लो तो ये भी काफी है, वो वाला ना भी करो तो इट्स ओके, सही है। लेकिन वो वाला भी शेप होता है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं होता, वो भी होता है, बताता हूँ कैसे। सही है, ये जो है ना ये क्या कहलाते हैं पता है, इसका नाम पता है आपको? सही है, मेजर फेकी सेटअप पे टू बार रिवर्सल। इसको टू बार रिवर्सल क्यों कहा जाता है? इसको टू बार रिवर्सल इस वजह से कहा जाता है कि मार्केट के अंदर जो है ना ये टू बार के साथ रिवर्सल बता रही है, ये जो रिवर्सल बता रही है, सही है। लेकिन ये फॉल्स ब्रेक है, क्योंकि मार्केट जो अगर आप बड़े टाइम फ्रेम पे देखोगे तो ये आपको कुछ इस तरह से नजर आएगी, ये मेरी बात समझ में आ रही है ना आपको? ये और मतलब इसका इसका लो ले लो, सही है, और ओपन जो होगा वो आप इधर से ले लो, और इसका ये हाई ले लो, और क्लोज आप इसका ले लो, तो ये कुछ इस तरह बड़े टाइम फ्रेम में कुछ इस तरह बनता हुआ नजर आ रहा होगा, सही। तो कहने का मकसद ये है कि हाँ बोले बोले कुछ कहना चाह रहे नहीं कुछ, आपको मेरी बात समझ में आ गई ना मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? जी जी अभी इसकी शक्ल समझ में आ गई है। देखो मेरी बात सुनो, ये अगर आपको हार्ड लग रहे हैं तो यू शुड गो फॉर यू फॉर द फर्स्ट टाइम यू शुड गो फॉर द पिन बार फेकी रिवर्सल, थोड़ी देर पहले ये वाला ज्यादा बेहतर है, इस पे आप काम शुरू कर सकते हो अगर चाहो, सही। लेकिन स्टिल अभी आपको कोई डेमो ट्रेडिंग वगैरह नहीं करती, मैं आपको एक बात कह रहा हूँ कि लर्निंग प्रोसेस के अंदर आप इसको अपने ट्रेडिंग टूल के अंदर एक बहसियत एक ट्रेडिंग टूल रख सकते हो, ये बताने का मतलब, ठीक है। तो प्रैक्टिस मेकअप मैन परफेक्ट, आप बार बार देखोगे आपकी आईज ट्रेंड हो जाएंगी, सही, ये चीज होती है। तो वी हैव अनदर वन हियर एंड इट्स कॉल्ड माइनर फेकी सेटअप विद टू बार रिवर्सल। एक्चुअली व्हाट हैपेंड हियर दैट दोज टू रिवर्सल बार आर ओनली अकर्ड after the breach of insert bar only, जी this one middle bar की range में रहेंगे, yes yes लेकिन subsequent bar की कभी भी आती yes yes उसको break हो, yes but this is not the subsequent bar because market ने अगर subsequent अगर candle होती तो मतलब ये होता कि ये जो insert bar next insert bar है ये भी इसके अंदर हो, तो that's not the case। तो इधर आप सब्सिक्वेंट का इतना कॉम्प्लिकेटेड अल्फाज ना इस्तेमाल करो तो बेहतर है, क्योंकि आप जितना मतलब इधर सिंपल रहोगे उतना आपके लिए अच्छा, ठीक। तो दिस इज अ केस एंड इट्स कॉल्ड माइनर फेकी विद टू बार रिवर्सल, बट माय रिकमेंडेशन इज यू शुड गो फॉर द पिन बार मेजर पिन बार फेकी सेटअप, मेजर पिन बार फेकी सेटअप विद टू बार रिवर्सल, सॉरी मेजर फेकी सेटअप विद टू बार रिवर्सल एंड ओनली फेकी सेटअप विद पिन माइनर फेकी सेटअप विद पिन बार ओनली, ठीक है। आई वॉन्टेड यू टू ट्रेड दिस थ्री सेटअप, ये वाला जो है ये जरूरी नहीं है कि मार्केट हमेशा आपको दे, मैं आपको अभी रियल में दिखाता हूँ रियल में किस तरह दिख रहा है, सही है। तो अभी अभी हम जरा पहले हम जरा अपने गुरु जो नेल कलर है उनकी जरा देखेंगे कि वो किस तरह दिखाते हैं, और उसके बाद फिर हम अपने लाइव चार्ट पे चलते हैं। अच्छा इस पे जरा सा मैं पहले से बता रहा हूँ, फिर आगे जाके मैं लाइव आपको दिखाऊंगा, लेकिन स्टिल आप जरा से इसको भी पढ़ लीजिए तो ज्यादा बेहतर है कि मेजर फेकी सेटअप पे एंट्री किस तरह होती है। मेजर फेकी सेटअप पे एंट्री जो होती है ना वो तीन किस्म से, जैसा मैंने बताया कि जब आपको पता चल गया कि इंसर्ट बार बन गई है, और इंसर्ट जब आपको ये पता चल गया कि इंसर्ट बार का ट्रेड आपने लेना चाहा था लेकिन अगली कैंडल फेकी सेटअप बन गई है, ये भी किसी ने नेल कलर से सवाल किया था, कहिए
तो फिर आप इसको कंटिन्यू रख सकते हो, लेकिन कॉमन सेंस मस्ट से दैट यू कैन यूज फ्रॉम दिस लेवल, फ्रॉम दिस लेवल, फ्रॉम यू कैन एंटर फ्रॉम दिस और फ्रॉम दिस, ठीक है। लेकिन जरूरी नहीं होता कि 50% पे हमेशा है, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है और मेरा एक्सपीरियंस गलत भी हो सकता है, नहीं क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस हमेशा एक जैसा नहीं रहता, सही है। तो ये मेरा एक अपना एंगल से सोचने का तरीका है कि जब वैसे ही फॉल्स ब्रेक हो चुका है तो जरूरी नहीं है मार्केट इधर आए, सही है। तो ये कब, ये एक्सपीरियंस आपको कब मिलेगा, जब आप 50-100 से ज्यादा ट्रेडे ले लो, सही है, तो आपके अंदर ये एक्सपीरियंस आता रहेगा। और अगर ऐसे सेटअप मिल जाए ना पिन बार के बिल्कुल फर्स्ट, अगर पिन बार जो है वो बिल्कुल फर्स्ट थ्रो द फर्स्ट थ्रो हाइस पे हो जाए, मतलब फर्स्ट थ्रो एंड क्लोज ऑन द हाइस, तो ये बहुत अच्छे आपके पास जो है ना सेटअप। बात समझ में आ रही है आपको? नहीं समझ भाई, मतलब ये जो पिन बार बनी है ये अपने हाई के साथ बिल्कुल पंच हो गई है। जी 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 बिल्कुल, हाई और लो, दो हाई और सॉरी लो कह रहा हूं, इसका हाई और क्लोज क्लोज वो जो है वो सेम पॉइंट पे बिल्कुल पंच पंच थ्रो इनटू हाइस हो गया, कह लो ये कह लो। तो ये जो है इस तरह की तो छोड़नी नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो बहुत ज्यादा पोटेंशियल दिखा रही है अपसाइड जाने का, सही है। ये भी सही है, ये भी सही है। अच्छा ये जो है ना, ये बताओ क्या ये बुलिश है या बेरिश है, कौन सा सेटअप है? डेफिनेटली बेरिश है, ये बेरिश है, ठीक है। और यहाँ लिखा हुआ भी है ग्रे एरो इंडिकेट डायरेक्शन इम्प्लांट बाय द पीकी सिग्नल, सही है। तो ये बात समझना जरूरी है कि एंट्री यहाँ से भी हो सकती है, एंट्री यहाँ से भी हो सकती है, एंट्री यहाँ से भी हो सकती है, सही है। एंट्री यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, एंट्री यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, ठीक है। ये सिर्फ एंट्री की एंट्री स्ट्रेटेजी क्या होती है वो ये लिखा बता रहा है। अच्छा SL मेजर फेकी सेटअप विदाउट पिन बार भी देख लो भाई, मेजर फेकी सेटअप विदाउट पिन बार जो बुलिश वाला होता है वो देखो कैसे एंटर हो सकता है, यहाँ से भी एंटर हो सकता है, यहाँ से भी एंटर हो सकता है, सही है। और अगर आप चाहो तो यहाँ से भी एंटर हो सकता है, लेकिन ये थोड़ा एग्रेसिव हो जाता है, ज्यादा बेहतर ये है कि इस वाले से एंटर हो, सही है, ठीक है। या सबसे ज्यादा अगर कंजर्वेटिव और सेफ एंट्री लेना चाहो तो फिर यहाँ से, लेकिन एक बात याद रखिए अगर आप कंजर्वेटिव एंट्री के पीछे जाओगे, मतलब सेफ एंट्री के पीछे जाओगे, तो याद रखना कि फिर SL भी बहुत बड़ा बनेगा, SL आपका यहाँ पर है, हाँ ये बात याद रखनी। तो मेजर पेकी सेटअप विदाउट पिन बार आपकी सेकंड प्रायोरिटी होनी चाहिए, मेजर पेकी सेटअप विद पिन बार आपकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए, सही। अच्छा ये बेरिश पेकी सेटअप टू बार रिवर्सल है, एंटर 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 के दो तरीके बताए मैं, एक फर्स्ट इनसाइड बार पे या मतलब कैंडल की लो पे या फर्स्ट इनसाइड बार की लो पे, सही है। और इसके अंदर बताया ये और ये तो दोनों सेम ही है, बस फर्क ये है कि जो लास्ट जो जो इम्पैक्ट वाली कैंडल है जिसने लास्ट इम्पैक्ट दिया वो थोड़ी बड़ी है यहाँ, सही है? और कोई ज्यादा फर्क नहीं है, दोनों सेम ही है और दोनों बुलिश ही है, ये वाली और ये वाली, सही है, ओके। अच्छा माइनर फेकी सेटअप, माइनर फेकी सेटअप क्या होते हैं उसकी थोड़ी एग्जाम्पल और उसकी को एंट्री और एग्जिट पॉइंट जरा देख लेते हैं। एग्जिट पॉइंट तो हमने उसके भी नहीं देखे, वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगा, लेकिन अभी एंट्री देख लो किस तरह से होगी। ये एंट्री करने के तरीके बता रहा है, एंट्री जो होगी मदर बार के लो पर होगी, ये बुलिश सेटअप है, एंट्री जो होगी मदर बार के हाई पे होगी, मतलब इसके इधर नहीं होती, इसकी इसकी जो पिन बार बनती है उसके इधर नहीं होती, उसके ऊपर होती है, सही है, मतलब मदर बार के हाई या लो पर होती है। अगर बुलिश सेटअप है तो हाई पे और बेरिश सेटअप है तो लो पर, सही है। माइनर फेकी सेटअप विदाउट पिन बार, माइनर फेकी सेटअप विदाउट पिन बार कैसा होता है, एंट्री यहाँ से ली जाएगी, मदर बार लो की जो है वॉयलेशन नहीं करी इसने, इसी वजह से ये माइनर फेकी सेटअप विदाउट पिन बार है। और ये क्योंकि इसने मदर बार की लो को वायलेट नहीं करा, इसी वजह से ये माइनर फेकी सेटअप। यार इसमें और इसमें क्या फर्क है, ये क्या दिखाना चाह रहा है माइनर फेकी सेटअप? अच्छा ये पिन बार के साथ है, सही है सही है, ये पिन बार वाली है और ये विदाउट पिन बार, लेकिन विदाउट पिन बार वाली का एक बात बताऊं मैं तुम्हारे को, माइनर फेकी सेटअप विदाउट पिन बार को भी इतना ज्यादा मैंने जैसे पहले अभी थोड़ी देर पहले ये जो MS Paint का बता रहा था मैं, इसके अंदर मैंने आपको बताया इसको ऊपर ज्यादा फोकस नहीं करना है, ज्यादा फोकस मेजर वाली पे करना है, ठीक है।
और अगर आपको, अगर आप चाहते हो कि आप फोकस करो मेजर वाली पे, तो मेजर वाली पे याद रखना कि मेजर वाली के अंदर भी जो, माइनर वाली के अंदर भी जो है ना, वो आप अगर फोकस करना चाहते हो तो इस वाली पे करना, इस वाली पे नहीं, टू बार रिवर्सल वाली पे नहीं करना। ठीक है, फेकी सेटअप के स्टॉप लॉस की प्लेसमेंट कौन होती है? ये एंट्रिंग स्ट्रेटेजी तो मैंने आपको बता दी, एग्जिट स्ट्रेटेजी के लिए मैं आपको ये आर्टिकल भी दे दूंगा और अभी हम इसको जाके देख भी लेते हैं। ये तो पिन, ये सारी की बात कर रहा है, ठीक है आतिफ, ये मैं आपको दूंगा, इसके अंदर ये तमाम की बात कर रहा है, तमाम जितने भी स्टॉप लॉस प्लेमेंट जो भी ये सिखाता है ना अपनी स्ट्रेटेजी, उन सब की बातें बता रहा है, लेकिन मैं अभी फेकी सेटअप पे जंप कर रहा हूँ ताकि आपको बता सकूं। अब ये बता रहा है स्टैंडर्ड फेकी स्टॉप लॉस क्या होता है जो मेजर फेकी सेटअप है, सही है? ये आपको जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि मेजर फेकी सेटअप क्या होता है, तो ये मेजर फेकी सेटअप की स्टॉप लॉस की बात कर रहा है, ये मेजर फेकी सेटअप का स्टॉप लॉस इधर लगेगा, अंडरस्टूड सी बात है कि इसके लो पे ही लगेगा, जाहिर सी बात, और ये जो स्टॉप कैन बी प्लेस नियर द फॉल्स ब्रेक हाई, मतलब ये जो फॉल्स ब्रेक जो हाई है इसके ऊपर लगेगा ये एरिया, बात समझ में आई? जी बिल्कुल। और इसी तरह से 50% की फेकी स्टॉप लॉस प्लेसमेंट भी होती है, ठीक है, लेकिन आई थिंक ये लिखा होगा कि बेटर रिस्क रिवॉर्ड तो होता है लेकिन ये थोड़ा सा एग्रेसिव भी हो जाता है, क्योंकि ये जो है ये, देखो ना ये क्या बोल रहा है, स्टॉप नियर द 50% लेवल ऑफ मदरबोर्ड, स्टॉप नियर द 50% लेवल ऑफ फॉल्स ब्रेक बार, ये समझ में आ रही है? या तो बोल रहा है कि स्टॉप नियर द 50% लेवल ऑफ द मदर बार, 50% लेवल जो मदर बार की जो रेंज है ना उसके 50% पे भी लगा सकते हो, और जो लेवल, हाँ जो पिन बार जिसने फॉल्स ब्रेक किया है मदर बार का उसके भी 50% पे लगा सकते हो, ठीक है। और ये भी मैं आपको दूंगा, ये सारा ईमेल करूंगा ये सारे आर्टिकल, ठीक है, और ये भी एक बहुत अच्छा आर्टिकल है, मैंने भी इसको पढ़ा था और बड़ा ही जबरदस्त, मेजर फेकी सेटअप क्या होता है, मेजर और क्लासिक फेकी सेटअप, क्लासिक भी नाम होता है ये, तो मुझे भी आज पता चला, मैं कभी इसको क्लासिक नहीं कहता था, मुझे, मैं मेजर के नाम से ज्यादा इसको मशहूर कर, मतलब मुझे मेरी जबान पे था इसको, बाय द वे क्लासिक भी कहा जाता है, ये बात मैंने अभी आपको बताई, मुझे, मैं बिल्कुल भूल गया था इसको क्लासिक भी कहते हैं, ठीक है, मेजर वाली की बात कर रहा हूँ, मेजर वाली, सही। माइनर फेकी सेटअप ओनली यूज ऑन डेली चार्ट सेटअप, इससे पता चलता है कि जो मेजर फेकी सेटअप होते हैं उनको आप 4 आवर्ली पे भी इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है, लेकिन अगर आपको माइनर फेकी सेटअप मिले तो इसको आपको, जैसा कि ये खुद लिख रहा है हेडिंग के अंदर कि आपको ये जो है वो खाली डेली टाइम फ्रेम पे लाजमी है कि इसको आप डेली टाइम फ्रेम पे इस्तेमाल करो, ठीक है, ये बात याद रखनी है भाई, इसके बगैर आप अगर किसी भी टाइम फ्रेम पे घुस के काम करोगे तो फिर आपको सक्सेसफुल ट्रेडिंग की गारंटी नहीं मिल पाएगी, सही है, क्योंकि ये हमारे नहीं, ये नील फिलर के वो है, सही है, इनकी रिकमेंडेशन है ये। अभी जैसे ये बता रहा है, ये देखो मदर बार की हाई वॉलिडिटी भी इसी वजह से ये माइनर फेकी सेटअप, अब ये यहाँ से ब्रेक करेगा तो ये फिर ये जाएगा, सही है, ये अच्छा सा जो है ना, ये इसको आपको रीड करना पड़ेगा प्रॉपर तरीके से, दिल लगा के मैं इसको दूंगा, बाकी इसका आपको समझ में आ गया किस तरह से होता है? हेलो जी जी, आपको समझ में आ गया ना किस तरह से होता है? जी जी। अच्छा, इसके अंदर इसने जो जिक्र है उसका मेरे ख्याल नहीं किया हुआ, अल्लाह वाला करे आपका फेकी सेटअप जो माइनर वाले होते हैं उसका जिक्र नहीं किया हुआ, लेकिन अगर आपको फेकी सेटअप माइनर मिले भी ना तो उसका भी इसी तरह से लो के नीचे होगा, मतलब मदर बार के लो के नीचे होगा, बात समझ में आ रही है, मदर बार की लो के नीचे होगा,
तो यही इसका मतलब, मुझे तो यही समझ में आता है कि इसी तरह होना चाहिए और यही कॉमन सेंस भी कहती है। ठीक है, तो इस तरह से इसकी प्लेसमेंट होगी, आगे देखते हैं आगे कोर्स में क्या कहता है। अच्छा, फॉल्स ब्रेक आ गया। अब मुझे ये बताओ कि फेकी सेटअप और माइनर फेकी सेटअप, मेजर फेकी सेटअप, क्लासिक फेकी सेटअप और माइनर फेकी सेटअप, ये बात समझ में आ गई तो आगे चलूं? कोई क्वेश्चन है? और एक और बात आप हमेशा याद रखिए, फेकी सेटअप नहीं होगा अगर उसके अंदर इंसर्ट बार नहीं हो। मिनिमम एक इंसर्ट बार का होना जरूरी है। ये सवाल भी आपको करना चाहिए था लेकिन आपने नहीं किया कि भाई एक फेकी सेटअप के अंदर इंसर्ट बार कितनी होनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि एक हो, और ये भी, ये तो बिल्कुल जरूरी, ये तो बिल्कुल ना होना, मतलब ये फिर फेकी सेटअप होगा ही नहीं अगर उसके अंदर एक इंसर्ट बार ना हो। मतलब मैं ये कहना, मैं आपको ग्राफिकली बता देता हूँ, मैं बताने के चाह रहा हूँ। बोलो बोले, क्योंकि इसकी डेफिनेशन में लिखा था कि जो फॉल्स ब्रेक होगा इनसाइड बार का। हाँ, बिल्कुल, इसलिए कर नहीं सकता क्योंकि इनसाइड बार का तो उसके लिए पहले डेफिनेशन में कर गया। लेकिन इधर लिखा हुआ भी है ना मेरी जान, ये देखो ना, आप फेकी सेटअप ऑलवेज इंक्लूड्स अ फॉल्स ब्रेक ऑफ एटलीस्ट वन इनसाइड बार सेटअप। तो इसी वजह से मैंने कहा कि आपको बताया एक दफा, मतलब एक प्रीसाइसली जो याद रखने वाली चीज है वो ये मैं आपको बता दूं। ठीक, सही है। And possibly a support, possibly a support and resistance level as well. एक फेकी सेटअप जो होता है वो एक इंसर्ट बार को तो करता ही करता है, आगे फिर दूसरे एस्पेक्ट मिल रहे हैं, मेरी बात समझ रहे हो, दूसरे एस्पेक्ट इसको घेर रहे हैं इस सेटअप को। कि भाई नेल फिलर ये बता रहे हैं कि आगे कोई लेवल भी होना चाहिए, कोई स्टैटिक लेवल, कोई डायनेमिक लेवल, आपका 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 फ्रेम ऑफ माइंड थोड़ा एक्सटेंड हो रहा होगा, क्योंकि अब जो बात हो रही है वो आस्ते आस्ते रेजिस्टेंस लेवल की तरफ जा रही है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरफ जा रही है। बात समझ में आ रही है? तो जब इन सारे एस्पेक्ट को एक जगह जोड़ोगे ना तो आपको बहुत ज्यादा अच्छी हाई प्रोबेबिलिटी फेकी सेटअप की ट्रेड्स मिलेंगे। सही है, बात समझ में आ गई? आदित्य, बात समझ में आ गई आपको? जी सर जी। अच्छा, अ फॉल्स ब्रेक इज नॉट ऑलवेज अ फेकी, इट कैन सिंपली बी अ फॉल्स ब्रेक ऑफ अ लेवल। A pin bar signal can make a false break of a level. For example, so a fakie is always a false break, but a false break is not necessarily always a fakie. ये जरा पढ़ोगे, ये मैं चाहता हूँ ये आप खुद समझो और ये इसका मतलब निकालो, ये क्या बताना चाह रहे हैं। बहुत अच्छी बात लिख रहा है, सही है। आप समझो और आप मुझे बताओ कि आपको क्या समझ में आई इस बात। Sir, correct fakie setup always include a false break of at least one side bar, the inside bar. ये तो मैंने बस समझा दिया। हाँ, मैं सिंपल बता देता हूँ कि जो फेकी सेटअप होता है उसमें फॉल्स ब्रेक होना चाहिए इनसाइड बार का। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना। लेकिन एक फेकी सेटअप जो है, जो फॉल्स है ना, फॉल्स ब्रेक इज नॉट ऑलवेज अ फेकी, ये इसमें इनसाइड बार नहीं होना चाहिए, फॉल्स ब्रेक हो रहा है। अब फॉल्स ब्रेक की बात कर रहे हैं, यहाँ पे किसी लेवल की ब्रेक करेगा, सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस लेवल की ब्रेक। बिल्कुल, यहाँ पर जो फॉल्स ब्रेक है, जो फेकी सेटअप है, फेकी इज ऑलवेज अ फॉल्स ब्रेक, जो फेकी सेटअप है वो तो फॉल्स ब्रेक होता है इनसाइड बार का, लेकिन फॉल्स ब्रेक है जो वो है वो फेकी नहीं, क्योंकि उसके इनसाइड बार का ब्रेक ही नहीं हुआ। शाबाश शाबाश, बिल्कुल सही, ये जो आपने बात करी है बिल्कुल सही करी है, और इसका यही मतलब निकलता है कि हर जो फॉल्स ब्रेक होता है ना वो जरूरी नहीं है फेकी हो, सही है, लेकिन फेकी हमेशा फॉल्स ब्रेक से ही डिफाइन होता है, क्योंकि उसकी डेफिनेशन ही, कोर डेफिनेशन ही यही है कि इंसर्ट बार का फॉल्स ब्रेक। बात समझ में आ रही है? तो ये बात समझना बहुत जरूरी है। अच्छा, अब मैं आपको बताने लगा हूँ कि फॉल्स ब्रेक किसको कहा जाता है, सही है। अच्छा, ये फेकी सेटअप का अपनी डेफिनेशन, अपनी अपीयरेंस और उसके ऊपर स्टॉप एंट्रिंग और एग्जिट स्ट्रेटेजी क्या होती है वो हम समझ चुके हैं, ठीक है। अब जो है हम जा रहे हैं फॉल्स ब्रेक की तरफ, कोई और सवाल है? नहीं सर। अच्छा, मैं एक बात समझा रहा था, बीच में इंटरप्ट हो गए, कि आपने मुझसे एक सवाल नहीं किया कि जिस तरह इंसर्ट बार के अंदर दो से तीन आप इंसर्ट बार्स को देख सकते हो, जो कि नेल फिलर अपने कोर्स में भी लिखता है इंसर्ट बार के चैप्टर के अंदर, कि मैं इंसर्ट बार को, इंसर्ट बार के सेटअप में दो से तीन, ज्यादा से ज्यादा तीन इंसर्ट बार को देखना पसंद करता हूँ, उसके बाद अगर बहुत ज्यादा बन जाए तो मैं उसको छोड़ देता हूँ, सही है, ये बात लिखी। हेलो जी जी जी, आपकी बीच में से ऐसा लगा कॉल कट गई इस वजह से मैंने। अच्छा, तो
तो अगर वो ये लिखते हैं इंसर्ट बार के अंदर कि तीन से ज्यादा इंसर्ट बार बन गई तो मैं फिर वो इंसर्ट बार का सेटअप कंसीडर नहीं करता। ये आपने बात पढ़ी होगी जब आपने इंसर्ट बार का कोर्स अभी चैप्टर पढ़ा होगा जो प्रिंट आउट आपने निकाले में। बाकी ये कि आपने ये सवाल इधर नहीं किया, इसका मैं आपको जवाब दूं कि अगर यहाँ पर भी दो या दो से ज्यादा हो जाए और एक आपको ऑब्वियस मतलब एक पिक्चर को देख के पता चल जाए ये ऑब्वियस है तो आप ले सकते हो उसको। बात समझ में आ रही है आपको? बात क्लियर हुई मेरी? नहीं ठीक है जी। यानी कि दो से ज्यादा इनसाइड बार बनने के बाद मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये हो जाए या चलो मान भी लो कि ये हो जाए और उसके बाद फॉल्स ब्रेक हो जाए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ तो तब भी आप ले सकते हो, लेकिन ऑब्वियस होना चाहिए। शर्त ये है ऑब्वियस हो, ऑब्वियस नहीं होगा तो पिक्चर हमारी खराब हो जाएगी, ऑब्वियस होना जरूरी है। और भाई एक और बात याद रखनी है कि बैकग्राउंड इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मैं हमेशा बोलता हूँ। और मुझे दूसरे मेथड्स के अंदर जब मैंने सीखे हैं तो उनके अंदर भी लोगों ने मुझे यही बात बताई है या ये सिखाई है कि देखो दो चीजें होती हैं, एक तो बोला जाता है कॉन्टेक्स्ट इज की इन प्रेजेंटेशन, सही है, और एक और बोला जाता है कि यू हैव टू लुक लेफ्ट टू प्रिडिक्ट राइट, यू हैव टू लुक लेफ्ट टू प्रिडिक्ट राइट साइड ऑफ योर चार्ट। अगर आपको सीधे हाथ के चार्ट को प्रिडिक्ट करना है तो आपको उल्टे हाथ को पढ़ना और देखना आना चाहिए, सही है। तो ये नहीं देखोगे यकीन करो आपकी ट्रेडिंग जो है ना वो कयामत हो जाएगी, मतलब आपको नहीं समझ में आएगा कि आप मार्केट में एक्चुअली मार्केट में सर्वाइव कैसे कर रहे हो। तो ये बहुत जरूरी है कि कॉन्टेक्स्ट को देखते हुए अपने सेटअप लेने हैं। कॉन्टेक्स्ट बल्कि मैं तुम्हें अभी हाथों हाथ एक चीज सिखाऊं, तुम्हें भी सोच के हैरानी होगी, जो नेल कलर के आर्टिकल होते हैं ना उनके अंदर तस्वीर भी बड़ी जबरदस्त ये कभी कभार प्रिंट आउट प्रिंट देता है सेंड करता है लोगों को ताकि उससे चीजों का पता चले। अब ये एक आपको दूंगा बल्कि आपको मैं चाहूंगा कि पूरी फेकी सेटअप की नॉलेज को पढ़ने के बाद उसके कोर्स को पूरा करने के बाद आप ये जरूर पढ़िएगा, सही है। ये मैंने आपको लिंक भी सेंड कर दिया। बाकी मैं जो अभी छोटी सी प्रिसाइसली बात करूंगा कि ये तस्वीर थोड़ी देर के लिए देखो। अब ये तस्वीर में ये क्या बताना चाह रहा है समझ में आ रही है आपको? एक पिज्जा प्लेट में रखा हुआ है, आगे कोल्ड ड्रिंक रखा के तौर पर उसने तो अल्कोहल समझ के रखा होगा, मैं यहाँ कोल्ड ड्रिंक समझ रहा हूँ कि यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक रखी हुई और यहाँ पे प्रॉपर तरीके से सारी सेटिंग हुई है। और एक पिज्जा सेम पिज्जा एक गटर के पास रखा हुआ, सही है। तो ये आपको समझ में आ रही है आपको ये क्या बताना चाह रहा है? ये बताना चाह रहा है कि कॉन्टेक्स्ट बहुत ज्यादा किसी भी चीज के लिए कॉन्टेक्स्ट का होना बहुत जरूरी है। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट की सारी बातें लिखी हुई है कि कॉन्टेक्स्ट क्यों, कॉन्टेक्स्ट जो है वो क्यों इतना जरूरी है। हाउ डज, ये तीन पॉइंट बता रहा है, सुनो मैंने पढ़ा हुआ है बहुत पहले पढ़ लिया था। डज द सिग्नल मेक सेंस विद द ओवरऑल मार्केट पिक्चर, अब इस पैराग्राफ के अंदर इसने पूरी एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है। फिर इसने बोला हाउ डज द सिग्नल फिट इनटू द सराउंडिंग मार्केट स्ट्रक्चर, सिग्नल किस तरह फिट हो रहा है सराउंडिंग मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर। और तीसरी चीज लिख रहा है परहैप्स मोस्ट इंपोर्टेंट टू आस्क इज देयर एनी कॉन्फ्लिक्ट्स, कॉन्फ्लिक्ट्स है भाई, अगर कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं है तो फिर आप ट्रेड कैसे कर रहे हो, सही है। तो ये जानना बहुत जरूरी है और ये खाली पिक्चर ही काफी है इसके आर्टिकल को समझने के लिए, सही है। तो ये मुझे बड़ा अट्रैक्टफुल लगा, तो अट्रैक्टेड लगा, अट्रैक्शन भी मुझे, तो मैंने बोला आपको भी बताऊं इस बारे में। तो कॉन्टेक्स्ट जो होता है वो बहुत ज्यादा मायने रखता है। अच्छा अब हम जा रहे हैं फर्स्ट ब्रेक की तरफ, आपका कोई सवाल तो नहीं है फेकी सेटअप के हवाले से? अच्छा देखो फर्स्ट ब्रेक क्या होता है, फर्स्ट ब्रेक बेसिकली ये होता है कि आपकी मार्केट ने वीकली लेवल पर आ गई मिसाल के तौर पर, और वीकली लेवल के बाद एक मार्केट ने हिट किया, मार्केट नीचे आई, मार्केट दोबारा उसी लेवल पे गई और वहां पे फॉल्स ब्रेक दे दिया। मतलब फॉल्स ब्रेक क्या होता है कि मार्केट पूरी तरह से ऊपर चली जाए और वहां से रिटर्न आ जाए, जैसे कि फेकी सेटअप के अंदर होता है। तो ये जो दो कैंडल है इसने फॉल्स ब्रेक किया और अब मार्केट के अंदर वो स्ट्रेंथ पैदा होगी कि मार्केट ने फॉल्स ब्रेक करके मार्केट दोबारा नीचे जाके बंद हुई है, तो अब मार्केट जो है वो डाउन जाने की सूरत हाल के अंदर है कि अब वो बहुत अच्छे तरीके से डाउन जाएगी क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे फॉल्स ब्रेक किया हुआ है
और यहाँ पे स्मार्ट मेन्यू में बहुत सारे ऑर्डर लगाए हुए हैं। मेरी बात समझ में आई आप लोगों को? आपको ठीक है, ठीक है। तो इसी वजह से इसको हम फॉल्स ब्रेक कहते हैं। अच्छा, इसको फॉल्स ब्रेक हम क्यों नहीं कहते, ये भी तो एक सवाल है। सर ये तो एक पहली बात ये कि इसने डीपली ब्रेक नहीं किया था। हाँ, डीपली ब्रेक नहीं किया था। और इसकी जो जो हम ये नहीं कह सकते, हम ये नहीं कह सकते कि इसकी शेडो ने फॉल्स ब्रेक नहीं किया, किया जरूर है, लेकिन वैसा नहीं किया जैसे इसने किया। सर एक तो डीपली नहीं किया था, क्लोजिंग भी आप तक की हुई ना। नहीं, क्लोजिंग अब होनी नहीं चाहिए। क्लोजिंग अब तो क्लोजिंग आपका तो सवाल ही पता नहीं होता ना यार। सर जो यहाँ पर फर्स्ट के अंडर जो ब्रेक कर रही है दूसरे वाले, उसकी क्लोजिंग हुई है ना। हाँ, ये भी कह सकते हैं, लेकिन हम इन दोनों कैंडल्स को मिला के देख रहे हैं। सही है जी, जी बिल्कुल। मैं तो पहले कॉन्टेक्ट में देख रहा हूँ, पहले ही इसने ब्रेक किया और ऊपर क्लोज हुई, नेक्स्ट में जो है वो रिट्रेस मारा। सही है, सही है। और उसकी क्लोजिंग अब फिर हमारे की लेवल के अंदर आके हो गई। ठीक है, ठीक है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, आपको बात समझ में आई? फॉल्स ब्रेक बस इतना सा है, फॉल्स ब्रेक की डेफिनेशन यही है कि आपको एक प्रॉपर ऑब्वियस नजर आए। अच्छा, अब जो है ये मेजर पे की सेटअप जो है वो दिखाना चाह रहा है 4 आवर के ऊपर लॉन्ग टेल पिन मार्क के साथ। अब आपका जो अब जो है एग्जाम्पल शुरू हो रही है वो पे की सेटअप की शुरू हो रही है जो लॉन्ग टेल्ड पिन मार्क के साथ बनी है। हाँ, और ये ऑब्वियस सिग्नल बने हैं मार्केट के अंदर। सही है। अच्छा, इवेंट एरिया क्या होता है ये मैं अभी आगे जाके पढ़ाऊंगा। इवेंट एरिया के अंदर कंफ्यूज नहीं हो, अभी खाली ये देखो कि मार्केट क्या कर रही है, मतलब जो अभी पढ़ा है उसके बारे में देखो। ये पिन बार है और ये पिन बार के अंदर ये बात भी नोटिस करो, हर चीज को नोट किया करो। मदर बार है, मदर बार के अंदर 3 इंसर्ट बार बनी है। नहीं, कॉइल नहीं कहेंगे बाय द वे इसको, लेकिन इंसर्ट बार 3 इंसर्ट बार बनी है जो एक मदर कैंडल को शेयरिंग कर रही है, शेयरिंग कर। और हाँ, एक और बात, इसने फॉल्स ब्रेक इसका भी किया है और फॉल्स ब्रेक एक तरह से इसका किया है, और इसके अलावा रिट्रेस और रिजेक्शन पूरे 1.6656 की करी है। ठीक है, समझे? नहीं समझ में आई बात? ये इसने जो रेजिस्टेंस को ब्रेक किया था पहले उसको अब सपोर्ट करवाया, और बहुत मतलब यहाँ इतने ऑर्डर्स लगे हैं कि यहाँ ऑर्डर फ्लो काम आ रहे हैं हमें, कि ऑर्डर फ्लो में ये बता रहे हैं मार्केट ऊपर ही जाएगी। सही, ये फॉल्स ब्रेक। अब ये बात भी आपको बता दूं, शायद आप कंफ्यूज हो रहे हो, ये फॉल्स ब्रेक इसका फॉल्स ब्रेक बोल रहा है, ये जो यहाँ लिख रहा है ना वो मदर बार का फॉल्स ब्रेक है, ये सपोर्ट एरिया का फॉल्स ब्रेक नहीं है। मैं कंफ्यूज हो रहा हूं। सही है, सही है, सही है। अच्छा, मेजर पे की सेटअप है 821 ईडे ये में लेयर इन लाइन विद द डेली चार्ट ट्रेंड। 21 और 8 का पे की सेटअप बना, ये देखो ये बना है, और फेकी सिग्नल ये बना है, देखो ट्रेंड के साथ बन रहा है ये, बताने। अब ये दूसरी चीज, अब मेरी बात समझ रहे हो जो मैं आपको थोड़ी देर पहले बोल रहा था कि आपके माइंड के जो दरवाजे हैं अब वो लेन पर खुल रहा है, वो इस तरह खुल रहा है कि दूसरे एक्सपर्ट्स को एक साथ जोड़ के, जो मैं आज मैंने इंसर्ट बार के साथ किया कि बहुत सारे एक्सपर्ट को एक साथ करने की कोशिश करें, तो नेल फॉलर फेकी सेटअप के साथ बहुत सारे एक्सपर्ट को एक जगह जोड़ के दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, समझे? तो ये आपकी ट्रेडिंग को और ज्यादा प्रोबेबिलिटी हाई कर देते हैं। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी आपके पास क्लू काम कर रहे हैं। यहाँ पे आपके पास एक टेल्ड बार बनी थी और टेल्ड बार के अंदर आपके पास इनसाइड बार का कॉम्बो बना था ये, और यही वजह थी कि मार्केट इतना नीचे तक गई है, 136 तक गई है, यही वजह है। सही है। और यहाँ से ये रिवर्सल, बाय द वे ये रिवर्सल है, यहाँ से रिवर्सल लगा, रिवर्सल के बाद मार्केट ने, अगर आप गौर से देखो तो मार्केट ने यहाँ पे क्रॉस ओवर भी दिया है इधर। सही है। और मार्केट ने लोअर हाई भी बनाया है लोअर लो के बाद, और उसके बाद लोअर लो ये बनाया है। तो लोअर हाई, यहाँ पे लोअर हाई जब बना तो पिन बार की सूरत में फेकी सेटअप ये बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस पैदा कर रहा है। ठीक है। और इसके बाद मार्केट ने यहाँ पे क्रॉस ओवर किया, क्रॉस ओवर के बाद देखो मार्केट नीचे गिरी, उसके बाद देखो फेकी सेटअप दोबारा बना, और अब जो फेकी सेटअप बना है ये भी सही था, और अब जो फेकी सेटअप बना है इसके अंदर भी ईएमए की रिजेक्शन हो रही है जी। और 50% रिट्रेसमेंट पे आपकी मार्केट आई है, बहुत प्यारा, बहुत अच्छा आपको सिग्नल देके गई है। ठीक हो गया। तो इस तरह से
इसको ट्रेंड और कॉन्फिडेंस फैक्टर और क्रूज फैक्टर के साथ पकड़ा जा सकता है। अच्छा अब मुझे तुम जरा शुरू से बताओ कि इसमें क्या क्या क्रूज है। सर इसमें ये थे कि जैसे कि आपने पहले देखा कि लॉन्ग टेल बार के साथ मार्केट ने अब ट्रेंड की रिवर्सल की, पहले लो लोअर लो लगाया और एक और हाई लगाया और लो लगाने के बाद ये ट्रेंड की स्टेपिंग हो गई, सही है ना? जी जी मदर बार का फास्ट ब्रेक था जहां पर क्रॉस हो रहा है, एक तो क्रॉस ओवर होगा 8 और 21 EMA का और उसके उसके बाद फास्ट ब्रेक किया इसे उसका भी फॉल्स ब्रेक किया और उसने जो 8 और 20 डेज की EMA रिजेक्शन थी उसके अंदर कैंडल आगे क्लोज की। शाबाश शाबाश, ये मेरे साइड में नहीं था, ये अभी आपने बताया, वेरी नाइस, बहुत अच्छे आप अच्छी तरीके से आप इंटरप्रेट आस्ते-आस्ते कर रहे हो, बहुत नाइस, अच्छी बात है। ठीक है, इस तरीके से आप क्लूज को पकड़ते हैं। ठीक है, अच्छा एक और बात याद रखो, ये खुद भी क्लू होता है, जो सिग्नल होता है ना ये खुद भी एक क्लू होता है, जो सिग्नल होते हैं ये भी कॉन्फिडेंस फैक्टर का, सारी बात है ट्रेंड TLS जो होता है ट्रेंड लेवल और सिग्नल को बना के बनता है, सही है? तो इसी वजह से क्लूज और कॉन्फिडेंस एक ही चीज होती है, तो सिग्नल भी आपका एक कॉन्फिडेंस है, तो ये पांचवा कॉन्फिडेंस हो गया। इसी वजह से जितने कॉन्फिडेंस से सब जमा करोगे मार्केट के अंदर आप उतना ही वजन रखोगे, बात समझ में आ रही? अब मतलब मार्केट के अंदर ही ट्रेड, अपने ट्रेड सेटअप के पीछे तराजू के अंदर आप उतना ही वजन रखोगे, बताने का मकसद ये है, सही है? तो अपनी ट्रेडिंग को अच्छा करना है तो सबर के साथ काम लेना है और क्लूज का वेट करना है, सही है? मैं हमेशा अपने स्टूडेंट को बोलता हूँ कि आप एक डिटेक्टिव हो और मार्केट मर्डरर है, मार्केट जो है वो किलर है, और आपको इस किलर का पता लगाना है कि इसने कौन कौन से कत्ल होने के सबूत छोड़े हैं, और न्यूयॉर्क की पुलिस ने आपको डिटेक्टिव लेते हुए आपको ये केस दिया हुआ, सही है? तो इस बात का ख्याल रखो कि आप एक डिटेक्टिव हो, आपको क्लूज पकड़ना है मार्केट के अंदर, सही है? तो ये याद रखो। अब ये बड़ा प्यारा फिजिक्स सेट है, बहुत ही प्यारा फिजिक्स सेट है, सही है? और ये जो है मार्केट ने बहुत ही अच्छी स्टेपिंग के साथ मार्केट जो है बहुत अच्छा मूव लेके गई है, बहुत ही जबरदस्त, सही है जी। अच्छा अब आगे चलते हैं, अच्छा यूरो येन का चार्ट है ये, यूरो येन के अंदर। अच्छा अब इसके अंदर जरा मैं नहीं बताऊंगा, अब तुम जरा सा कोशिश करो, थोड़ा और हार्ड, थोड़ा और मेहनत करो, वैसे तो बाय द वे इस पे हर चीज लिखी हुई है, लेकिन इसमें तुम कोशिश करो कि इसको किस तरह इंटरप्रेट करेंगे। जी सर, सबसे पहले तो यहाँ पर क्रॉस ओवर हुआ मार्केट का, सही है? ठीक है, क्रॉस ओवर होने के बाद हमें अच्छा यहाँ पे आते मैं थोड़ी सी बात करना चाहूंगा कि यहाँ पे क्रॉस ओवर जरूर हुआ, बात आपकी सही है कि क्रॉस ओवर फिजिकली नजर आ रहा है, अपेरेंटली आपको नजर आ रहा है, लेकिन एक बात याद रखना कि जब भी मार्केट रेंजिंग होती है ना, जब भी मार्केट रेंजिंग होती है या मार्केट जो है कंसोलिडेशन कर रही हो, तो जब ऐसी हालत हो रही होती है ना तो मार्केट फ्लैट होती है, बात समझ आ रही? मार्केट की कोई वैल्यू नहीं, देखो यहाँ पर भी तो क्रॉस ओवर हुआ है जी सर, तो ये चीज आपको रियल टाइम के अंदर कंफ्यूज कर सकती है। लेकिन इसमें ये देखो ना लॉन्ग जो ये क्लोज नीचे हो रेंज के रेंज को ब्रेक कर गई है, गुड 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 गुड, आपकी लॉजिक सही है, ये बेरिश टेल्ड बार जो बनी है ये बात हमें ये बता रही है कि मार्केट के अंदर जो है वो बहुत ज्यादा अब जो है ना बेरिश मोमेंटम मार्केट के अंदर लाइव आने वाला है जी, सही है? तो लिव होने वाला है, तो बिल्कुल सही बात है आपकी, ये बात भी आपकी सही है, तो ट्रू नंबर वन हो गया कि आपके पास एक जायंट बेरिश रिवर्सल कैंडल बनी जी, बिल्कुल। सेकंड हम बाद आपका सेकंड ये क्रॉसओवर कह लो आप इस तरीके से, जी क्रॉसओवर मिला। तीसरा हमारा
इनसाइड बार था उसका फास्ट ब्रेकआउट हुआ नहीं, उससे पहले इस स्टेप पे जाने से पहले कोई और चीज भी है जो आप भूल रहे हो? मार्केट ने लोअर लो बनाया मार्केट जी 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 बिल्कुल ये एक बहुत बड़ा क्लू है जो हमारा तीसरा क्लू होगा और ये आपका चौथा क्लू होगा और चौथे क्लू होगा और एक और क्लू भी है जल्दी से बताओ और एक और क्लू भी मिल रहा है आपको बताओ जल्दी से कोशिश तो करो अल्लाह मालिक है कोशिश करो जी 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 नहीं एक ट्रेंड ने लोअर लो बनाया फिर लोअर हाई बनाया उसके बाद फास्ट ब्रेकआउट किया और जो हमारी रिजेक्ट बार थी वो ईएमए रिजेक्ट करते हुए ईएमए की रिजेक्शन कह लो हाँ बिल्कुल सही पुल बैक हुआ है पुल बैक होना भी एक क्लू ही है सही है ये आपका पांचवा क्लू है छठा क्लू भी है इधर एक क्लू ऐसा है जो मैं चाहता हूँ आप बताओ खुद बताओ कौन सा क्लू है कोशिश करो कोशिश करने में कोई वो नहीं होता कोशिश में कोई वो नहीं है मतलब कोशिश करो कोशिश कर रहा हूँ इसको मैं पूरे सेटअप को यही देख बहुत मतलब बहुत ही आसान है कोशिश करो जी ये सर फिर ट्रेंड का ही होता है पांचवा का बेयरिश ट्रेंड बेयरिश ट्रेंड तो मेरी जान बेयरिश ट्रेंड तो यहीं से बनना शुरू हो गया ना जब आपके पास लोअर लो आ गया आपके मैं बता देता हूँ ऐसा कोई इशू नहीं है कोई ऐसी बात नहीं जी जी मतलब इंसान सीखता है गैस करता है तो फिर उसको याद रहता है कि यार मैंने यहाँ गैस किया था अच्छी बात है देखो यहाँ पे ना एक और ये है कि यहाँ पे डाइवर्जेंस बड़ी अच्छी मिल रही है डाइवर्जेंस जो है ना ब्रॉड हो रही है उसका मतलब है मार्केट आके जाके बहुत अच्छा ट्रेंड देगी और आपके सामने है तो मार्केट ने किस तरह से अपने आप को अनफोल्ड किया प्राइसेस ने अपने आप को अनफोल्ड किस तरह किया एक स्लोप बन रहा है इसको स्लोप कहते हैं मैं हर ये इसमें से गन साफ करके आपको ये देखो ये जो मार्केट ने आपको ये ईएमए दिखा रहा है ना ये जो ईएमए ये जिस तरह से ये स्मूथली कर्व हो रहा है ना ये आपका क्या आ रहा है ये आपको मार्केट जो है स्लोप दे रही है इस स्लोप का टेक्निकल नेम होता है डायनामिक रेजिस्टेंस लेयर क्योंकि यहाँ पे ये रेजिस्टेंस का काम कर रही है और बाय द वे ये भी एक बहुत अच्छा सिग्नल था जो कि फेकी सेटअप तो नहीं था लेकिन 2G का सेटअप था मतलब जिसको मैंने याद होगा EURUSD में कहा था कि ब्लाइंड एंट्री है याद है अभी कुछ दिनों पहले आपने भी शायद कहा था कि मैंने आपकी एक कोर्स देखी थी ब्लाइंड एंट्री के बारे में मगर ब्लाइंड एंट्री कब लेते हैं जब आप एक्सपीरियंस हो जाओ ब्लाइंड एंट्री लेना या उसका जो हुनर होता है वो हमेशा आपको नहीं मिलता आपको पहले प्रैक्टिस करनी होती है अपनी बेसिक स्ट्रेटेजी में उसके बाद आपके अंदर इतने गट फीलिंग आ जाती है गट फीलिंग समझते हो एक ऐसी फीलिंग जिसके अंदर आपको पता हो कि अब कोई चीज ऐसे होने वाली है आप अपने रूम मिसाल के तौर पर आप अपने रूम के अंदर घुसे आपको पता चला है कि कोई आया था यहाँ पर तो आपकी गट फीलिंग इतनी स्ट्रांग होती है आप लोगों से पूछते हो यार यहाँ कोई आया था यहाँ कोई अंदर घुसा था तो गट फीलिंग ये होती है तो गट फीलिंग आपको पता होता है कि मार्केट अब एक अंदर ही इनर फीलिंग आती है आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है वो कब होता है जब आपके अंदर एक गुड स्ट्रांग स्क्रीनिंग टाइम आपके अंदर डेवलप होना शुरू हो जाता है आप मार्केट के अंदर स्क्रीनिंग टाइम डेडिकेट करते हो और ये जो हुनर है ये जो चीज है ये आस्ते आस्ते आती है ये एकदम से ओवरनाइट नहीं आती सही है ओवर अ सिंगल नाइट नहीं आती इट डिपेंड्स अपॉन योर मेंटेलिटी इट डिपेंड्स अपॉन योर एक्सपीरियंस एंड इट डिपेंड्स ओनली ऑन योर स्क्रीनिंग टाइम सही तो ये चीजें होती है तो डाइवर्जेंस है और ये बहुत अच्छा आपको एक अच्छा कॉन्फिडेंस देती है तो 5 से 6 कॉन्फिडेंस फैक्टर्स के साथ आपकी एक अच्छी ट्रेड ये जो है ना अच्छी ट्रेड साबित हुई सही और यहाँ पे ये भी यही बता रहा है इससे तो बहुत कम बताया मैंने आपको बहुत ज्यादा बताया लेकिन ये जितना बता रहा है ये भी अगर आप करते हो तो ये भी सही है तो गलत नहीं है 821 डे ईएमए क्रॉस लोअर बेरिश मोमेंटम क्लियरली इन कंट्रोल ऑब्वियस फेकी सेल सिग्नल इन लाइन विद बेरिश मोमेंटम स्टॉप लॉस एट मदर बार 50% लेवल एंटर ऑन ब्रेक ऑफ इनसाइड बार लू इनसाइड बार की लो से भी आप एंटर हो सकते हैं और 50% स्टॉप लॉस आपका यहाँ पे आप लगा सकते हैं सही है
ये भी एक तरीका है, लेकिन ये भी कहना चाहिए कि थोड़ा एग्रेसिव तरीका। लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि आप नहीं करो, अगर आपको ये अच्छा लगता है तो आप ये भी कर सकते। अच्छा, मेजर फ्रीक्वेंसी सेटअप एट की रेजिस्टेंस लेवल कैसे होते हैं ये भी देख लो। मेजर फ्रीक्वेंसी सेटअप एट की रेजिस्टेंस लेवल ऐसे होता है। अच्छा, इसके अंदर ज्यादा इतना मतलब आप अपना टाइम एक दफा पढ़ लो तो बहुत है, लेकिन ये ट्रेडिंग अभी आप ना करो तो बेहतर है, क्योंकि ये रिवर्सल का काम करता है। इसपे शायद इसपे लिखा हुआ भी होगा, ये रिवर्सल का काम करता है। आफ्टर यू फील कॉन्फिडेंट ट्रेडिंग फ्रीक्वेंसीज विद डेली चार्ट ट्रेंड, समझ में आ रही है आपको? इससे पहली लाइन ही यही लिखी थी, क्या समझे? वो यही कह रहा है कि आप जब ट्रेंड के साथ फ्रीक्वेंसी सेटअप को ट्रेड करना सीख जाओ और आपके अंदर कॉन्फिडेंट आ जाए तो यू कैन लर्न हाउ टू ट्रेड देम अगेंस्ट द ट्रेंड। बात समझ में आ गई? ये क्या बताना चाह रहे हैं आतिफ, मेरी बात का जवाब दो। ये क्या बताना चाह रहे हैं, आपको बात समझ में आ गई कि ये जो आप बता रहे हैं ये अगेंस्ट द ट्रेंड है? पहले वो कह रहा है कि ट्रेंड के साथ ट्रेड करना सीख लो। हाँ, तो ये रिवर्सल ट्रेडिंग है ये जो कर रहा है, सही है? रिवर्सल ट्रेडिंग को अपने अंदर जो है घर बनाने मत देना, मेरा ये कहने का मकसद है। पहले आप जो है वो ट्रेंड ट्रेडिंग सीखो। ठीक है, अब ये चार्ट बता रहा है, मैं खाली आपको थोड़ा सा इसका वो बता रहा हूँ कि ये आपका चार्ट था, यहाँ पे पिन बार करी मार्केट ने इस वीकली लेवल या डेली लेवल से, डेली की रेजिस्टेंस से मार्केट ने नीचे ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट करने का मार्केट जब दोबारा इधर आई तो यहाँ पे फेकी या फॉल्स ब्रेक बना। बात समझ में आ रही? इंसर्ट बार का भी फॉल्स ब्रेक है और ये लेवल का भी फॉल्स ब्रेक। काउंटर ट्रेंड फेकी सेटअप टू अवॉइड, कौन बस ये बताना चाह रहा है। मैं डायरेक्ट एग्जांपल पे, मैं टेक्स्ट नहीं पढ़ रहा हूँ, डायरेक्ट एग्जांपल पे आ रहा हूँ कि काउंटर ट्रेंड फेकी सेटअप अगर एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड मिला हुआ है तो फेकी सेटअप को आपको काउंटर ट्रेंड के अंदर नहीं पकड़ना है, सही है? ये काउंटर ट्रेंड फेकी सेटअप आपके लिए बुरे हो सकते हैं। माइनर फेकी सेटअप, अब ये यहां से माइनर फेकी सेटअप शुरू कर रहा है। जीबीपी जेपीवाई डेली, सही है? ये माइनर फेकी सेटअप बता रहा है और माइनर फेकी सेटअप ये बनाओ कैसे बना और ये क्यों अच्छी ट्रेड थी, क्योंकि ये ट्रेंड के साथ थी। उसकी वजह ये कि मार्केट ने 169.46 का यहां से ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद ऊपर बंद हुई है, यहाँ पे डायरेक्ट मार्केट ऊपर गई, वहां से स्टक होकर मार्केट नीचे आई, पुल बैक हुआ, पुल बैक पे ये एंट्री भी ली। पुल बैक इज अ मैजिकल स्ट्रेटजी, पुल बैक को करना आ जाए तो आप की जिंदगी सवर सकती है, क्योंकि पुल बैक पे अगर आपको आ गई करना ट्रेडिंग तो फिर इसका मतलब है आपने हद से ज्यादा ट्रेडिंग सीख ली है, सही है? क्योंकि पुल बैक आपको साइकोलॉजिकली भी ट्रेन करता है, सही है? आपको पेशेंस करने का बहुत बड़ा आंसर मिलता है, पेशेंस करने का एलिमेंट आपके अंदर आ जाता है। ये फेकी सेटअप विद मेजर नहीं है, फेकी सेटअप विद पिन बार माइनर फेकी सेटअप है, मतलब कहने का मकसद। एंट्री इसकी यहाँ ले रहे हैं, स्टॉप लॉस वुड हैव नीडेड टू बी एट मदर बार 50% लेवल टू गेट गुड रिस्क रिवॉर्ड, ठीक है? गुड रिस्क रिवॉर्ड के लिए आपको 50% पे रखना जरूरी था। माइनर फेकी सेटअप नोट The first break was only of the inside bar, not the other bar. Minor fakie setup, note the first break was only of the inside bar, not the other bar. मतलब ये उसकी definition बता रहे हैं कि minor fakie setup की property यही होती है ना कि mother bar को break ना करे। जी ये बता रहे हैं। और ये logical आपका जो है ना, ये by the way 1 to 2 कह रहा है, ये 1 to 2 से ज़्यादा है ये। Logical exit. Here at next resistance for approximate 1 to 2 risk reward. Here 1 to 2 risk से मेरी जान ज़्यादा लग रहा है, सही है? ये आपका जो है ना यहाँ पे खत्म हुआ और मैं समझता हूँ कि फेकी सेटअप खुद
बताते खुद अपने अंदर पूरी 2 घंटे की क्लास में आई थिंक ये डाइजेस्ट करना आपके लिए काफी है आज के लिए, और आप इसको अच्छे तरीके से पढ़ो क्योंकि ट्रेल बार पढ़ाऊंगा तो थोड़ा आपके लिए मैं सर कल इंशाल्लाह मतलब पीर वाले दिन आपको फिर इंशाल्लाह ट्रेल बार से शुरू करवाएंगे। सही तो बेसिकली उम्मीद है आपको ये क्लासेस अच्छी लगी होगी ये वाली फेकी सेटअप की, और इसके ऊपर आप पूरा ये चैप्टर जो है फेकी सेटअप का मैं आपको बता देता हूँ ये नेल कलर कोर्स पार्ट 2 के अंदर। अच्छा प्रिंट आउट ले लिया है, गुड हो गया, सही है। तो इसको आप पढ़िएगा और इसको आप मुझे बताइएगा कोई क्वेश्चन हो तो। अंटिल देन टेक केयर और इंशाल्लाह फिर आपसे पढ़ने वाले दिन मुलाकात हो। ओके अल्लाह हाफिज, मैं अभी वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। ओके अल्लाह।